नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वेक्सपर्ट न्यूज। चूहे ने खतरे में डाली 30,000 लोगों की जान, टूटा बागमती का बांध। जी हां, चंपारण तटबंध टूटने के बाद सीतामढ़ी जिले का बागमती तटबंध मदकौल में टूट गया। माउस होल के कारण पहले धीरे धीरे पानी का रिसाव हो रहा था। ग्रामीणों के पुरजोर कोशिश की, लेकिन फिर भी तटबंध टूट गया। जी हाँ, तटबंध टूटने के बाद 15 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। तटबंध टूटने से कम 30,000 लोगों की आबादी प्रभावित हो गई है। तटबंध टूटने से कम 30,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। प्रभावित गांवों में मदकौल के साथ साथ जफरपुर, पहाड़िया, ओलीपुर, कंसार और बसौल प्रमुख है, जहां 5 फीट तक पानी घरों में घुस गया है। आने जाने वाले मुख्य सड़कों पर भी पानी का बहाव तेज है। बाढ़ प्रभावित लोग छतों के ऊपर शरण लिए हुए हैं। कम से कम मदकौल गाँव में ही 40 से 45 लोगों को फंसे होने की खबर है। इधर SDRF की टीम लोगों को रेस्क्यू में जुट गई है। लोगों को घरों से निकल के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार सुबह से ही मदकौल बांध में माउस होल से रिसाव की सूचना प्रशासन को दी गई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रिसाव की जांच तो की, लेकिन तकनीकी टीम की सहायता के लिए 4 घंटे तक नहीं भेजा। इस बीच ग्रामीणों ने स्वयं रिसाव को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बिना उचित संसाधनों और जानकारी के वे सफल नहीं हो सके। इसकी चपेट में आने से सैकड़ों घर जलमग्न हो गए और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि कुछ मवेशियों को अभी रेस्क्यू किया गया। घर में रखे सारे सामान को छोड़कर लोग ऊंचे स्थान पर अपने बच्चे को लेकर भागते दिखाई दिए। बांध टूटने के बाद से अब पानी का बहाव प्रखंड के गांवों और बढ़ रहा है, जिससे और अधिक गांवों को खतरा उत्पन्न हो गया है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।